खेदिया दक्षिण पश्चिम खान देश का यह हिस्सा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां कई वर्षों से परंपरागत रूप से चैत्र नवरात्रि की पंचमी पर विशेष मेले का आयोजन गांव पंच ट्रस्ट खेतिया के तत्वाधान में होता है। इसी तारतम्य में लगातार दो दिनों से यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें रथ में बैलों को जोत कर रथ को शहर के श्री हनुमान जी मंदिर, राम मंदिर, माता मंदिर से होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजर कर पुनः खेतिया के अति प्राचीन हनुमान मंदिर में ले जाया जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसे खेतिया शहर में स्वतंत्रता के पूर्व से ही गांव पंच ट्रस्ट खेतिया द्वारा शहर के पेयजल व साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है, जो धीरे धीरे लोकतांत्रात्मक प्रणाली के चलते गांव पंच ट्रस्ट की अपनी गतिविधियां संचालित होती, वहीं शहर की तमाम व्यवस्थाएं नगर पंचायत परिषद खेतिया के विश्वास पर है। गांव पंच ट्रस्ट द्वारा गांव के उत्थान और विकास के लिए गांव पंच के अधीन भूमि को नीलामी कर अन्य किसानों को कृषि कार्य हेतु दिया जाता है, जिसके बदले प्राप्त होने वाली आय से उनकी गतिविधियां संचालित होती हैं, जो शहर के हित में होती हैं। पहले यह आयोजन बहुत बड़े स्तर पर होता था, लेकिन अब परंपराओं का निर्वहन यहाँ नागरिकों द्वारा किया जा रहा है। अनेक वरिष्ठ नागरिकों का मानना है, इस आयोजन के माध्यम से आने वाले साल के लिए कृषकों की खुशहाली और शहर के विकास की कल्पना साकार होते दिखाई देती है, जिसे हम हमारी माता का आशीर्वाद मान करके पूरे वर्ष निभाते हैं। परंपराओं की यह कड़ी अटूट बनी रहे, इसी विश्वास के साथ परंपरागत आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ट्रस्ट खेतिया द्वारा प्रतिवर्ष चैत्र महीने की पंचमी को आनंदा माता की यात्रा की जाती है, जिसमें नगर में तगत घुमाया जाता है। ये परंपरा लगभग 300 वर्ष से चालू है, जिसमें गांव पाटिल, पुलिस पाटिल और सभी गांव वालों का सहयोग रहता है। इस आयोजन के पीछे उद्देश्य क्या है? इस आयोजन के पीछे माँ की कृपा से नगर में अच्छी वर्षा होती है, सुख शांति रहती है और सब लोग खुशहाल रहते हैं, जिससे माँ का उत्सव आनंद मंगल से मनाया जाता है। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।